नमः शिवाय। भाद्रपद मास पूर्णिमा तिथि सुबह 8:20 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बलवान, सात्विक, धनी और साहसी होते हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, दृढ़ चरित्र वाले, भावुक और समाज के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक सोच विचार कर कार्य करने वाले, उन्नतिगामी और स्त्रियों द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के चंद्रमा पर राहु की नवम दृष्टि कायम रहेगी। राहु कर्क राशि में चल रहे हैं और मीन राशि में चल रहे चंद्रमा पर भी उनकी दृष्टि आज पड़ रही है, जिससे मानसिक बल बना रहेगा। उत्साह और सकारात्मक कार्य ऊर्जा पूरे दिन मिलती रहेगी। मेहनत करने की प्रवृत्ति में विकास होगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा, मगर मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है। भाद्रपद मास पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान प्रथम पूज्य हमारे पितर माने गए हैं। तत्पश्चात देवी देवताओं की दैनिक पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक पितरों को तर्पण करना और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा माना गया है कि इस 15 दिनों में किए गए श्रद्धापूर्वक तर्पण और दान से वर्ष पर्यंत हमारे पितरों का आशीर्वाद पूरे कुटुंब पर बना रहता है और हमारे प्रगति का मार्ग निष्कंटक चलता रहता है। सामान्य लक्षणों से हम यह जान सकते हैं कि हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न हैं या प्रसन्न नहीं हैं। इसके लक्षण दैनिक जीवन में परिलक्षित होते रहते हैं, जैसे कि परिवार में सदस्यों का विवाह ना होना या विवाह होने में दिक्कतें आना, वैवाहिक जीवन में कलह का बने रहना, परीक्षा में मन मुताबिक लक्ष्य को हासिल ना कर पाना, नौकरी का ना मिलना या बार बार नौकरी का छूटना, गर्भपात या गर्भधारण में दिक्कतों का होना, बच्चे की अकाल मृत्यु होना, मंद बुद्धि बच्चे का पैदा होना, अपने आप पर विश्वास का ना बने रहना और निर्णय की स्थिति का बने रहना, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी या व्यापार में मन मुताबिक सफलता का ना मिलना। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में इस तरह के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसे लक्षण आपके साथ ही मिल रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को श्रद्धा के साथ पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हमारे मार्ग निष्कंटक होते हैं। इस पक्ष में रोज पितरों के निमित्त जल में काले तिल और सफ़ेद फूल डालकर अपने 3 पीढ़ी के पितरों का तर्पण करें। पितृ प्रसन्न होंगे और पितृदोष दूर होगा। ऐसे मौके पर जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कार्य योजनाओं के विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कामकाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रगति के अवसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में सुधार और यात्रा के दौरान खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। वृष राशि के जातकों की प्रबल इच्छा शक्ति और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और नवीन विषयों के सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर खर्च का संकेत मिलता है। राहु की दृष्टि से आपके प्रयासों और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में चलना अधूरे और रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग के साथ साथ व्यावसायिक सुदृढ़ता का संकेत देता है। कार्य क्षमता में वृद्धि और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के दिन भर चलने वाला शनि के नक्षत्र का फल कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चोट चपेट का संकेत देता है और विभागीय मामलों में सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अतिरिक्त लाभ के नए अवसर दिखाई पड़ेंगे। निजी रिश्तों में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों के मन में नकारात्मक विचारों का दौर जारी रहेगा और चोट लगने का अंदेशा बनता है, मगर कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट या विवाद का संकेत भी मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल बनी रहेगी और कार्य योजनाओं के नए मार्गों का विकास होगा। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सफल सरल बनाने में सक्षम होंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएँ संभावित हैं। आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग मिलेंगे। चंद्रमा का छठवें होना आपसी सहयोग में कमी और प्रतियोगी भावना का संकेत देता है, मगर कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते जाएंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और सामान चोरी होने के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। क्रियाशीलता बनी रहेगी, मन मुताबिक काम होते जाएंगे। आपके सहयोगी ग्रहों की शुभता जारी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मगर परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों को मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे और मातृपक्ष से सहयोग कायम रहेगा। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि के जातकों को लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है और निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति कायम रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए प्रस्तावों को लागू करने में सफल रहेंगे। भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों की रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ आर्थिक लाभ बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा का योग बनता है, मगर व्यवसाय और कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या विवाद संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिश से बचें। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहयोग बना रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर अचानक आर्थिक लाभ के साथ साथ अपव्यय और आर्थिक हानि भी संभव है। हालांकि रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।